नमस्कार बहुत स्वागत आपका मध्य प्रदेश की महाडिबेट देखना शुरू कर चुके हैं आप और आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति आज दरअसल कम मतदान की हम बात करने जा रहे हैं अब आप कहेंगे इससे पहले भी तो कम मतदान की चर्चा हुई है तो इसमें दो वजह है दो वजह ये कि इस बार आयोग की जो आंकड़े जारी करने की रफ्तार है उससे कछुए टेंशन में है दूसरी बात ये कि आला कमान ने साफ साफ कह दिया कि मतदान का परसेंटेज तो बढ़ाना ही होगा मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई थी उसके कुछ खोर पेज भी कर आए हैं मध्य प्रदेश में अब कम मतदान ने कई मंत्रियों की टेंशन बढ़ा दी है तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार मतदाताओं में कौम उत्साह देखने को मिला ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मतदान के जो आंकड़े चुनाव आयोग ने जारी किए और लगातार जारी करता ही जा रहा है वो ये बता रहे हैं कि 2024 में 2019 की तुलना में तकरीबन चार फीसद आ, से आ, चार फीसद के आसपास जो वोटिंग है वो कम है जिनके इलाके में विधानसभा चुनाव की तुलना में कम मतदान दर्ज किया गया ऐसे में मंत्रियों की टेंशन भी बढ़ी हुई है विधानसभा वार भी देखें तो नतीजे कम हो रहे हैं महिलाओं के लिहाज से भी देखें वही महिलाएं जो बाहर निकली थी विधानसभा चुनाव में बंपर जीत जी जिन्होंने बीजेपी को दी उस लिहाज से भी देखें तो मतदान का परसेंटेज कम है तो मंत्रियों की टेंशन बढ़ना लाजमी है वोटिंग पर सियासत ईवीएम में कैद किसम कांग्रेस बीजेपी का दावा आखिर किस तरफ हवा लेकिन हालत यह है कि अब मुंह छुपाना रहा है तीन सौ सत्तर की चर्चा नहीं कर पा रहे करे ना चर्चा आप, जितनी बैठ बैठ के कि मेगा सो, के मेगा में कम मतदान किस, किस की बढ़ रही टेंशन। जितने मतदाता घर से निकले हैं ये भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं, जो थोड़ा बहुत कम हुआ है लेकिन जिस पार्टी का वजूद नहीं बचा कांग्रेस का अस्तित्व नहीं बचा तो उसके मतदाता भी नहीं आए हैं वोट देने के मध्य प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कम वोटिंग हुई है कई मंत्रियों के इलाके भी इसमें शामिल हैं ऐसे में मंत्रियों की टेंशन बढ़ गई है उधर इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं लेकिन सवाल ये है कि कम वोटिंग से किसे नफा और नुकसान है और उन मंत्रियों का क्या होगा जिनके इलाके में कम वोटिंग हुई है आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इसी पर चर्चा करेंगे और हम रस्मन कुछ सवालों की भी बातचीत करते हैं उनको भी जान लेते हैं हालांकि सवालों के सिलसिले तो लंबे चलते हैं और रस्मन क्या कुछ सवाल है कांग्रेस का आरोप यह है कि 370 वोट बढ़ाने के लिए बीजेपी ने मेगा अभियान चलाया कैंपेन चलाए लेकिन फिर भी वोट ना बढ़ सका यह बीजेपी की रणनीतियों का असर है जो कम मतदान हुआ बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है इसीलिए कांग्रेस के मतदाता वोट करने नहीं पहुंचे आप जरा महाडिबेट के सवालों पर नजर डाल लेते हैं कम वोटिंग के दरअसल मायने क्या है अगर सब कुछ ऑल इज वेल तो मध्य प्रदेश में मंत्रियों की टेंशन क्यों बढ़ रही है कम मतदान किसे नफा किसे नुकसान इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम लगातार रहेंगे आ, अजय आ, अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दें अजय धवले साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ देर बाद कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे अजय धवले साहब का बहुत स्वागत सतीश ऐलिया वरिष्ठ पत्रकार अ, उनका सतीश ऐलिया जी का भी बहुत स्वागत जयंत वर्मा राजनीतिक विश्लेषक तो हमारे दोनों सर्जन हैं दरअसल सतीश एलिया और जयंत वर्मा खबरों की सर्जरी करते आपने इन्हें कई बार देखा है बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो आ, सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं अजय धवले साहब पहले मैं आपके पास ही आ जाता हूं आ, मंत्रियों की टेंशन थोड़ी बढ़ी हुई है मसलन विजय शाह सबसे कम जो वोटिंग परसेंटेज परसेंटेज बढ़ाने के टारगेट के बाद आ, विजय शाह के इलाके में सबसे कम वोटिंग और इसकी लंबी चौड़ी लिस्ट भी है जी प्लीज। जी प्लीज मुझे लगता है मंत्रियों की टेंशन बढ़ी है स्पेकुलेशन का विषय है और मुझे लगता है इस बात को भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत संगठन में इस बात पे कोई चर्चा हुई है ये आ, मुझे लगता है इस पे हम लोग पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं ये थोड़ा सा बेमानी हो जाएगा <laughs> रही बात इस चुनाव में वोटिंग परसेंटेज जो कंपैरेटिवली 2019 से कम कैसे हुआ इस पर थोड़ा सा डिबेट अगर होने की आवश्यकता है तो 2019 के विपक्ष में और 2024 के विपक्ष में एक आपको ड्रास्टिक चेंज मिलेगा 2019 के विपक्ष जो था वो कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल था कांग्रेस इंडिपेंडेंटली लड़ रही थी लेकिन आप 2024 में जैसे चुनाव आया इन लोगों ने अपॉर्चुनिस्टिक एक गठबंधन बनाया जिसे इंडिया अलायंस नाम दिया और उस इंडिया अलायंस में कहीं तो ये साथ में लड़ रहे थे कहीं अपोजिशन में लड़ रहे थे किसी के मुद्दे भिन्न थे किसी के मुद्दे भिन्न थे तो ये जो आज देश ने 2024 का लोकसभा का चुनाव देखा है ये अपॉर्चुनिस्टिक दलों का जो कुंबा गठा था उस कुंबे की किस प्रकार से सत्ता पाने की राजनीति और उस राजनीति को झुटलाने की देश की जो शक्ति थी वो आज 2024 के जब चार जून को नतीजे आएंगे आप तब देखेंगे आ, मुझे ये निश्चित तौर पर पता है कि आप पूछेंगे कि तीन का आपका लक्ष्य था तो ललित जी आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और चार जून को भी जिम्मेदारी के साथ मैं कहूंगा कि हमने 370 बढ़ाने का जो टारगेट लिया था निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का दो से तीन वोट सारे जिन बूथों को हम जीते हैं या जिन बूथों पर हम विजय प्राप्त नहीं, नहीं किए उन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के इतने तो वोट बढ़ने जा रहे हैं यह बहुत तो इसलिए भी हुआ है कि पहली बार एक प्रो इनबंसी का वोट किस प्रकार से तीसरी बार सरकार बनाता है और जो हमने बार पार का लक्ष्य रखा जून एक, एक को, को, को दिखेगा, चार को दिखेगा। आपने एक बात कही कि कम पर चर्चा करते हैं जितेंद्र मिश्रा साहब का भी बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे भी हम सवाल लेंगे आपने बात कही मैं फिर भी आपको आंकड़े बता देता हूं विजय शाह तमाम कोशिशों के बावजूद वोटिंग कम एदल सिंह कंसाना तमाम कोशिशों के बाद चौवन फीसद वोटिंग तोमर भी यहां से थे वोटिंग नहीं बढ़ पाई इसके अलावा प्रद्युम्न सिंह तोमर तमाम कोशिशों के बाद वोटिंग कम कुल वोटिंग से तकरीबन साढ़े तीन परसेंट वोटिंग यहां पर कम हुई है नारायण सिंह कुशवाहा यहां पर वोटिंग कम हुई है एवरेज है दिग्गजों के नाम है इस वजह से मैंने सवाल आपसे धवले साहब पूछा था खैर जितेंद्र मिश्रा साहब कम वोटिंग को लेकर जिक्र हो रहा है महिला वोटर भी थोड़ा उदासीन नजर आया क्या कहीं कोई उम्मीद देख रहे हैं आप ड्रेस्टिक चेंज यह भी है मिश्रा साहब कि राजगढ़ और एक सीट और जहां पर वोटिंग बढ़ी तेजी से बढ़ी जिसका पिछले तीन चुनाव में आपको नुकसान हो रहा है जितेंद्र मिश्रा साहब देखिए राजगढ़ में वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के पीछे अलग कारण है और शेष मध्य प्रदेश में अलग कारण है निश्चित तौर पर प्रो इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यह एंटी इनकम्बेंसी के कारण हुआ है निश्चित तौर पर 370 बोर्ड प्रति बूथ पर बढ़ाने की बात किसने की थी भारतीय जनता पार्टी ने की थी परसेंटेज गिरा तो दोषी कौन है भारतीय जनता पार्टी दोषी है अमित शाह ने तो चेतावनी दे दी थी, थी कि जिसके विधायक और मंत्री के क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज कम होगा उसको सजा भुगतना पड़ेगा जी. आपने देखा मैं लगातार विदिशा लोकसभा क्षेत्र में दौरा कर रहा था मैंने वहां पर देखा कि एक महिला से कहा कि निकलिए आप और हम सब लोग वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की दिशा में अपील कर रहे थे उस महिला ने मुझे जवाब दिया कि सरकार ने मुझे दिया क्या है जो मैं वोट डालने जाऊं जी बड़ा आश्चर्यजनक उत्तर लगा फिर मैंने विचार किया तो मुझे समझ में आया कि निश्चित तौर पर जब आप महंगाई कम करने के नाम पर सत्ता में बैठ जाते हैं जब आप ये कहते हैं धन वापस लाऊंगा और तीन गुना काला धन आपके लोगों का विदेश में जमा हो जाता है आप कहते हैं रोजगार के नाम पर दो करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा और जब

ये तो तय है कि वोटिंग कम हुई है वनस्पत जो नए वोटर्स जुड़े अच्छी बंपर संख्या उसके बावजूद मतदाता केंद्र तक नहीं पहुंचा और इसे सिर्फ हम शादी ब्याह इन सब से जोड़कर नहीं देख सकते आपका एक कमेंट फिर मैं जयंत सर के पास जाऊंगा जी देखिए 2019 के अगर आप तुलना करेंगे रिसेंट चुनाव के पांच साल पहले के चुनाव से तुलना करेंगे तो बेहतर होगा मतदान का प्रतिशत ज्यादा दो स्थितियों में होता है या तो सरकार के खिलाफ भयंकर नाराजगी हो जबरदस्त नाराजी हो जैसे 1977 में हमने देखा था इंदिरा गांधी के खिलाफ भयंकर नाराजगी थी और जबरदस्त मतदान हुआ था इस सरकार के प्रति जबरदस्त नाराजगी जैसा कुछ जमीन पर कम से कम नहीं था आप सोशल मीडिया पे और विपक्षी नेताओं के भाषणों में अगर सुनेंगे तो दिखेगा ठीक। एक तो ये दूसरा 2019 का जो चुनाव था वो पुलवामा के बैकड्रॉप में हुआ था हाँ पुलवामा के कारण एक राष्ट्रीय भावना बहुत तेजी से जागृत लोगों की थी और लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट किया अलबत् कांग्रेस तब भी और अब भी ये कहती थी उस पर सवाल उठाती थी लेकिन जनता ने उसको राष्ट्रवाद के तौर पर लिया और भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिला मतदान का प्रतिशत भी ज़्यादा रहने का वो कारण था इस बार कोई भी ऐसा कारण नहीं था जिसके कारण मतदान का प्रतिशत ज़्यादा होता जितना भी मतदान प्रतिशत हुआ है

वो विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा के अंदर वो हार अगर जाती है भारतीय जनता पार्टी हाँ। और 2019 में वो जीती थी और इस बार हार जाती है जी। तो निश्चित रूप से उसकी समीक्षा पार्टी के स्तर पर होनी चाहिए और उस पर जहां तक मंत्री पद की बात है तो वो समीकरणों के तहत मिलते हैं इस तरह से नहीं मिलते कि लोकसभा के चुनाव में मतदान का प्रतिशत होगा तो स्थिति ऐसी है कि जीते तो जाएगी नहीं हाँ हाँ जीते तो सब माफ हार गए तो वो नेता साफ कुछ इस तरह की स्थितियां एक बड़ी आपने दिलचस्प अच्छा, बात तो नहीं लेकिन उसके बारे में नेगेटिवली <laughs> तो पार्टी कभी कभी उनके चेहरे पर गणित के सख्त मास्टरों जैसे प्रमेय घूमने लगते हैं खैर जयंत वर्मा सर भी हमारे साथ जुड़े हुए जयंत वर्मा सर कम वोटिंग और यह तय था कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के टारगेट दिए गए थे क्योंकि बाद में तीसरे और चौथे चरण में वो नजर भी आया इसके बावजूद बहुत अच्छे नतीजे आए नहीं एक तो ये जो अंदर खाने राजनीतिक चर्चा चलती रही बीजेपी नहीं स्वीकारेगी कि भाई हमको तो बोला गया था हमने नहीं बढ़ाया एक इस पर दूसरी बात ये कि वोटर उदासीनता की तरफ गया क्यों जयंसर देखिए हाँ। ललित जी ये जो पूरा मामला है एक तो इतना लंबा स्पान रखा है ये पूरा पूरे एक पहला चरण दूसरा चरण तीसरा चरण चौथा चरण तो लोगों में एक तो चुनाव के प्रति रुचि कम हो गई है और ऐसी कोई वेव है ही नहीं है हाँ। कि अब हमको भारतीय जनता पार्टी को जिताना है या कांग्रेस को जिताना है ऐसी कोई वेव नहीं है तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि वोटिंग के परसेंटेज के आधार पे तो किसी का मूल्यांकन नहीं होगा पर यह बात जरूर है कि जो रिजल्ट आएंगे उसमें यह देखा जाएगा कि कौन ऐसे मंत्री हैं जिनके विधानसभा क्षेत्र में उनको जितने वोट मिले थे भाजपा के उससे कम यदि वोट हो गए हैं तो जरूर फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात उठेगी और यदि 400 पार हो जाते हैं या 370 पार हो जाते हैं तो मुझे लगता है फिर कोई कहीं कुछ किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात ही नहीं उठेगी अच्छा तो कभी कभी पर हाँ। ऐसा लग रहा है कि ये जो चुनाव है जी ये चुनाव है इसमें कोई भी ऐसी अंडर करंट नहीं है और यह है कि महंगाई है बेरोजगारी है किसान की हालत खराब है आदिवासियों के बहुत सारे समाल है जल जंगल जमीन के वो सवाल ज्यों के त्यों हैं और कर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता वो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम वाली बातों में ही लोगों को उलझा के रखे हैं और मूल मुद्दों पर कोई बात नहीं हुई है तो इस बात का जरूर लोगों के मन में एक गुमान है कि भाई ये ये लोगों को भटकाया जा रहा है ठीक 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 अब इसी से जुड़ा हुआ एक तो धवले साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ अगर आपके पास कोई रिएक्शन हो एक दूसरी बात कि ये माना गया जैसे मोदी की गारंटी आपने लॉन्च की राम मंदिर बना ही था उपलब्धियों का ट्रैक रिकॉर्ड था फिर भी एग्रेसिव कैंपेनिंग पर आपको आना पड़ा आपको बताना पड़ा कि कौन कहां से क्या छुड़ाकर ले जा लेगा यह भी एक वोटिंग परसेंटेज से जुड़ा हुआ मामला है, धवले साहब देखिए ललित जी इलेक्शन को चुनाव मतलब हम चुनाव चुनावी राजनीति चुनावी राजनीति होती है वास्तविकता की राजनीति होती है जब आपका विपक्ष अपने मैनिफेस्टो में इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल सर्वे की बात लाएगा जब आपका विपक्ष अपने मैनिफेस्टो में वास्तविक प्रोडक्शन की बात वास्तविक मुद्दों पर क्यों लड़ा गया धवले साहब आपकी पार्टी की तरफ से बताइए ये ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव को विकास से शुरू किया था हमने विकास की बात की थी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी थी उसके कारण बताए थे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो हुआ था उसको बताया था हमने आज देश की स्थिति विश्व पटल पर क्या है डिप्लोमेटिकली भारत कहां स्टैंड कर रहा है सोलह राष्ट्रों ने सर्वोच्च सम्मान से हमारे भारत को हमारे प्रधानमंत्री को गौरवान्वित बहुत बेहतरीन बात आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई एस जयशंकर चिंतित है कि चाइना से जो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो स्थितियां आ गई है डिसबैलेंस उसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है क्यों कह रहे होंगे जयशंकर आप, आप के साथ साथ वहां की जो जनता होती है उसका भी एक अपना मेन स्ट्रीम परसेप्शन का विषय होता है हुँ. आप हमारे विपक्ष को देखिए विपक्ष पूरी तरह से देश की सरकार को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नेशनल प्लेटफॉर्म पे डिप्लोमेटिक वेज पे कोसता है तो निश्चित तौर पर डॉक्टर जयशंकर एक डिप्लोमैट रहे उन्होंने कहा था कि देश की जनता को जब भी राष्ट्रीय हित के मुद्दे आते हैं एक होना पड़ेगा हमारी अंतर्गत लड़ाई है राजनीतिक लड़ाई है हाँ। लेकिन जब भारत का प्रश्न आएगा तब हमें एक होना पड़ेगा ठीक। लेकिन आपने देखा कि इनका पाकिस्तान प्रे में, पाकिस्तान प्रेम से ट्वीट हो जाते कि नहीं नहीं राहुल जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए ये सारी बातें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फोरम पे आपको आपके कंट्री के रेपुटेशन को लूज कराने में काम करती है ठीक ठीक जितेंद्र मिश्रा हाँ आप जवाब ले लेते हैं प्लीज अजय जी जितेंद्र मिश्रा जी निश्चित तौर तो पर ललित जी अगर किसी देश में अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़े तो उस देश की अर्थव्यवस्था का तो भगवान मालिक है मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन तो जिस तरीके तो से आंकड़े पेश किए जा रहे जब भी हम बात करते हैं कि महंगाई को लेकर आप सत्ता में आए थे दो करोड़ लोगों को लेकर आप सत्ता में आए थे रोजगार देने के नाम पर आखिर क्यों नहीं पूरा कर पाए इसलिए भारतीय जनता पार्टी का वोट कम हुआ है इसलिए वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है क्योंकि लोग उदासीन है इन्होंने सोचा कि राम मंदिर के प्रकाश में ये चुनाव हो जाएगा लेकिन आप देखिए चौदह में आपको परखने के लिए वोट दिया उन्नीस का चुनाव राम मंदिर के प्रकाश में हो गया आज जनता सवाल पूछ रही है जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है प्रधानमंत्री लगातार चुनाव को विषय से भटकाने का प्रयास करते रहे लेकिन इस देश की जनता है आपने कम वोटिंग का जिक्र किया विकास पे कांग्रेस निश्चित तौर पर आरोप ये लग रहे हैं कि कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर नहीं निकला कांग्रेस वोटर्स को नहीं निकाल पाई ना ये, ये मुझे ये समझ भी नहीं आता ललित जी आपके पास पत्रकारिता का लंबा अनुभव है भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की बात कर रही है या उसको मालूम है कि वोट कहाँ गिर रहा है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है निश्चित तौर पर जब आप महंगाई के खिलाफ बात नहीं करेंगे आप चुनाव को कहीं और ले जाने का प्रयास करेंगे इस चुनाव में प्रधानमंत्री से उम्मीद की जा रही थी कि वो विकास पर बात करेगा पिछली योजनाओं पर बात करेंगे आने वाली योजनाओं पर बात करेंगे लेकिन वो तो हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान भारत पाकिस्तान और आखिर मंगल सूत्र और भैंस पे आ गए तो समझिए प्रधानमंत्री का स्तर क्या है प्रधानमंत्री को मालूम था कि हम पराजय की ओर जा रहे इसलिए चुनाव से विकास के मुद्दे को हटाने के लिए इस तरह की बातें की गई सब लोगों ने कहा वरिष्ठ पत्रकार बैठे आपने देखा राजनीतिक विश्लेषक बैठे उन्होंने कहा इस चुनाव में कोई लहर नहीं थी निश्चित तौर पर ये चुनाव आपके दस सालों का हिसाब मांग रहा था जनता कह रही थी हमारा हल्दी मिर्ची से लेकर के गैस सिलेंडर तक महंगा हो गया शिवराज सिंह ने कहा था साढ़े चार सौ रुपये में रक्षाबंधन से सिलेंडर वो बात आपकी सही है जनता है बात आपकी सही है लेकिन ये दोनों वेव जिसकी आप बात कर रहे हैं ना नाराजगी की बात एंटी इनकम्बेंसी की बात और लोगों में गुस्से की बात मुद्दों की बात मतलब आप जान रहे हैं छत्तीसगढ़ में तो सारे चीजें सिरे से फेल हो गई थी मध्य प्रदेश का भी एक नैरेटिव चल रहा था कि नहीं नहीं कमलनाथ तो रिपीट हो रहे वहां ये एकदम उल्टा पड़ गया आपके लिए जी मिश्रा साहब मैं आपको ललित ललित जी नगर निगम के चुनाव से जोड़ के देखा जाना चाहिए नगर निगम में हमारे पास एक भी महापौर नहीं होता था पांच महापौर हम जीते दो महापौर निर्दलीय जीते इससे समझ में आता है कि इस देश में बुनियादी सुविधाओं तक का अभाव हो गया दस सालों में जी आप बात कुछ भी कर ले भारतीय जनता पार्टी हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री का चुनाव है और प्रधानमंत्री से सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि आपने कहा था पचास दिन में अगर मैं महंगाई कम ना कर दूं ठीक तो आप मुझे चौराहे पर सजा दे देना आज तक महंगाई अब, कम अब हाँ लगातार बढ़ती जा रही है धवले साहब के पास चलेंगे फिर और मेहमानों के पास भी जाना है बात सही है आपकी जीते जीते और बचा पाए इसका बड़ा फर्क दरअसल चौदह के बाद जी के दोनों का उत्तर और एक जो आपने ललित जी बात की जीते और बचा पाए देखिए दो टू एटी टू था 2014 में और टू दो में थ्री जीरो थ्री था तो यह जीते और बचा पाए का अंतर आपको इसमें समझेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से अचीव किया अपने कामों की चौदह उम्मीद थी उन्नीस विश्वास था और चौबीस गारंटी है रही बात अभी जितेंद्र जी जो कह रहे थे कि महंगाई की 2004 से लेकर 2014 तक के औसतन महंगाई दर भारत की 8 प्रतिशत थी 2024 तक के 2014 से 24 तक के औसतन महंगाई दर 4 प्रतिशत या 5 प्रतिशत तो so, यह पहली बार है जब महंगाई दर भारत की 4 प्रतिशत के आसपास रही है अब इन्होंने कहा कि 10 सालों में क्या विकास के काम हुए सात एम्स हुआ करते थे देश में आज 22 से अधिक एम्स है एयरपोर्ट की संख्या चौहत्तर थी आज डेढ़ है नेशनल हाईवे इक्यानवे किलोमीटर के थे आज डेढ़ लाख किलोमीटर के हैं लाख किलोमीटर हाँ तो किया पर किया चर्चा मंगल सूत्र पर भी है एक बात अच्छा मैंने जो बात कही थी ना धवले साहब मैं कम वक्त है मेरे पास प्लीज मैंने जो बात कही थी वो इसलिए कि आपके पास बाली की पावर है आप ऐसे दिखाते हैं और पता नहीं वो विधायक और सब खींचे चले आते हैं खैर अब मुझे जाना होगा सतीश सर के पास जाना होगा आ, सतीश सर ये बात भले ही खारिज की जाए आपने करंट की भी बात की थी या नाराजगी बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं है लेकिन चिंता तो बढ़ी कम वोटिंग परसेंटेज ने चिंता तो बढ़ाई है खासतौर पर बीजेपी की बहुत शॉर्ट सर प्लीज देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कम वोटिंग परसेंट जो है मतलब सरकार के खिलाफ नाराजगी होती है तो वोट परसेंट बढ़ता है स्वाभाविक है हाँ लेकिन नहीं बढ़ा हो ये सकता है कि नतीजा 2019 के आसपास ही रहे खासकर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें बोट, बोट का का मार्जिन मार्जिन आप आप देखेंगे देखेंगे जीत इतना बड़ा बड़ा था 2019 में हा? कम हो सकता है किसी भी सीट पे आप देखेंगे, को करेंगे साढ़े तीन लाख वोट का अंतर है तो ढाई लाख पे आ जाएगा कम वोट से ठीक यदि बीजेपी का भी वोट कम हुआ है तो तो उससे नतीजा बदल जाएगा ऐसी स्थिति कम से कम मैं नहीं देखता हूं ठीक ठीक जैन सर मैं आपके पास आना चाह रहा हूं एक और अलग आंकड़ा है विधानसभा के हिसाब से देखा जाए जिन बहनों ने बम्पर वोटिंग की थी महिलाओं के वोट परसेंटेज में भी कमी आई है इसे लेकर एक शॉर्ट कमेंट सर प्लीज जी देखिए एक करोड़ तीस लाख महिलाओं को बारह सौ प्रति माह जा रहा था और उनको ये लग रहा था कि यदि ये सरकार चली गई तो वो पैसा बंद हो जाएगा तो उन लोगों ने तो बहुत ज़्यादा वोटिंग की और लाडली बहना जो योजना थी उसके कारण विधानसभा में इतनी बम्पर मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी जीती है तो और बाद में तो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार भी करना पड़ा और प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि भाई यदि कांग्रेस आ जाएगी तो लाडली बहना बंद हो जाएगी तो ये विधानसभा में जो इतना जबरदस्त जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो केवल लाडली बहना के चलते रहा है जी। और अब ऐसी कोई बात थी नहीं तो लोगों का उतना ज्यादा रुझान नहीं था इस चुनाव के ठीक तो। ठीक चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा बहुत गर्म नहीं हो पाई सियासी ताप सियासीजुराहो स्टाइल का नहीं पहुंच पाया लेकिन फिर भी बहुत बेहतरीन चर्चा हुई डिबेट नहीं इसे डिस्कशन भी कहना चाहिए और चार तारीख के लिए हमारे सभी जो हमारे मेहमान थे उन्होंने ऊर्जा भी बचा रखी है चार तारीख को इस पर तमाम चर्चाएं भी की जाएंगी वो ठीक है कि आप मतदान को माने ना माने पर अगर बीजेपी परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स की बात करती है तो मंत्री बहुत डरे हुए हैं यह राजनीति के जानकार कह रहे हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद